Hello everyone. Welcome back to part 2 of chapter 7, volume 1, Economic Survey 2019-20. अब हम स्टार्ट करेंगे एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ PSBs. जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि PSBs का मार्केट शेयर 70% के आसपास है, इसीलिए ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसी पे ही आती है. इसीलिए ये चैप्टर देखेगा कि PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक्स की एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं. वेल, उसमें जाने से पहले ना फिर से हम एक बार ही देखते हैं की ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स. अब ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंडिया के पास ना सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे हैं इस टाइम पे. इंडिया के हाईली फेवरेबल डेमोग्राफिक्स हैं. हाईली फेवरेबल डेमोग्राफिक्स मतलब यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. यूथ पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो क्या होता है, काम लोग ज्यादा करते हैं, डिपेंडेंट्स की वो प्रोपोर्शन कम होता है. फिर जैम ट्रिनिटी का फायदा है, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है. फिर यूनिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है GST, जिसने फ्रेगमेंटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट लेवल सिस्टम को खत्म करा. अब इन तीनों चीजों की वजह से ना फॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं तेजी से और आगे और ज्यादा तेजी से बढ़ेंगी. तो PSBs को इन फॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू जो डिमांड जनरेट हो रही है फाइनेंशियल सर्विसेज की, उस पर कैपिटलाइज करना है, उसका फायदा उठाना है. ये सेकेंड पॉइंट देखना आप. इंडियाज ग्रोथ पाथ डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली एंड प्रोडक्टिवली दीज ग्रोथ लीवर्स आर डिप्लॉयड यूजिंग अ वेल डेवलप्ड फाइनेंशियल सिस्टम. और बैंकिंग सिस्टम जैसा कि हम जानते हैं फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ही है. ऑलराइट, नाउ बहुत सारी कमिटीज ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंप्रूव करने के लिए रिकमेंडेशंस दी हैं. जैसे 1997 में नरसिम्हन कमिटी ने दी थी, फिर राजन कमिटी 2007 में बताती है कुछ, फिर अभी रिसेंटली पीजे नायक कमिटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी है. बट ये जो इकोनॉमिक सर्वे होगा ना, ये इन तीनों कमिटी की रिकमेंडेशन से कुछ हटके नई रिकमेंडेशन देगा. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट दीज हटके रिकमेंडेशन. ये जो हटके तीन अलग रिकमेंडेशन हैं, ये क्या है. सबसे पहली रिकमेंडेशन है टॉप पे, क्रिएशन ऑफ अ फिनटेक हब फॉर PSBs. ठीक है, इसको अभी डिटेल में देखते हैं ये क्या है. फिर इंप्लॉयज स्टेक इन PSBs. जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के इंप्लॉयज हैं उनको फिक्स सैलरी देने के बजाय आप उनको एक शेयर दे दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. फिक्स सैलरी के साथ साथ उनका थोड़ा सा ओनरशिप भी हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, ये आइडिया है. और फिर लास्ट है नीड फॉर बेस्ट टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल वर्टिकल्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी. ज्यादातर टेक्नोलॉजी का यूज करो, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, उसके ऑपरेशंस में. और रिक्रूटमेंट पॉलिसीज चेंज करो ताकि बेस्ट टैलेंट आपके यहां पे आ सके. अभी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज क्या है कि बैंक PO का एग्जाम ले लिया. कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक किसी कॉलेज कैंपस में जाके MBAs को डायरेक्टली हायर नहीं कर सकता, उसे बैंक PO के थ्रू ही हायर करना है. तो ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज चेंज करो, लेटरल एंट्री अलाउ करो ताकि बेस्ट टैलेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आए. अब देखते हैं सबसे पहले ये फिनटेक हब के बारे में क्या बात कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहली रिकमेंडेशन देखते हैं. बट इस पहली रिकमेंडेशन को समझने से पहले कुछ और फैक्ट्स की तरफ नजर डाल लेते हैं. कहते हैं कि बैंकिंग सेक्टर को ना, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स को यूज करना चाहिए. उससे पब्लिक सेक्टर बैंक ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे. ऐसा क्यों करना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, वेल देखते हैं. सबसे पहले हिंदुस्तान में डेमोग्राफिक डिविडेंड बढ़ता जा रहा है. अभी पिछली ही स्लाइड में देखा है हमने, जैम ट्रिनिटी आ गया है, जनधन आधार मोबाइल, प्लस गवर्नमेंट ने सब्सिडीज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देना शुरू कर दिया है. सब्सिडीज डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डाल देते हैं बेनिफिशरीज के. ऑलराइट, इन तीनों चीजों की वजह से ना फॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इंक्रीज फॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस. तो जितनी भी हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी थी ना, वो भी अब फॉर्मल इकोनॉमी बनती जा रही है. प्लस वेरियस न्यू इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट हैज लेड टू अ सर्ज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स बींग ब्रॉट इन टू द फॉर्मल इकोनॉमी. गवर्नमेंट ने और सारे इनिशिएटिव लिए, जैसे GST वगैरह, है ना. तो गवर्नमेंट ने इतने सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं उससे बहुत सारी कंपनीज, फर्म्स और इंडिविजुअल फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनते जा रहे हैं. अब इस फॉर्मल इकोनॉमी के एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस ऑफ दिस फॉर्मलाइजेशन. सबसे पहला, न्यू डिमांड फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज विच वुड हेल्प बैंक्स टू ग्रो टू अ साइज प्रोपोर्शनेट टू द इकोनॉमी. आपको पता है अभी जो पार्ट वन में हमने डिस्कस करा था कि इंडिया की जैसी इकोनॉमी है ना, उस हिसाब से इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर नहीं है. जितनी इंडिया की इकोनॉमी का साइज है उस हिसाब से कम 6 बैंक होने चाहिए ग्लोबल टॉप 100 में. पर ऐसा क्यों नहीं है, उसका कारण यह है कि इंडिया की GDP में ना सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनफॉर्मल सेक्टर का है.
और इनफॉर्मल सेक्टर को तो बैंकिंग सेक्टर केटर ही नहीं करता। अब गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव की वजह से जैम ट्रिनिटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये इनफॉर्मल सेक्टर भी फॉर्मल का पार्ट हो जाएगा। जब ये इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल का पार्ट हो जाएगा तो ये ही इनफॉर्मल सेक्टर अब फॉर्मल सर्विसेज की डिमांड करेगा, फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज की डिमांड करेगा, तो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस बढ़ जाएगा। पहले बिजनेस कम क्यों था? क्योंकि ये इनफॉर्मल सेक्टर में थे, पर अब ये लोग जब फॉर्मल में आ जाएंगे तो ये बैंकों से ही डिमांड करेंगे ना, लोन्स की, डिपॉजिट सर्विसेज की वगैरह, तो फॉर हमारे जो बैंक्स हैं उनका बिजनेस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए चांसेस हैं कि हमारे बैंक्स कुड ग्रो टू द साइज विच इज इक्विवेलेंट टू इंडियन इकोनॉमी, या इंडियन इकोनॉमी को जो शोभा देता है बैंकिंग सेक्टर का साइज, वही हमारे बैंकिंग सेक्टर का साइज हो जाएगा, बिकॉज ज्यादातर इंडियन इकोनॉमी अब फॉर्मल हो जाएगी। और दूसरी चीज है लेवरेजिंग ऑफ डेटा जनरेटेड फॉर क्रेडिट एनालिटिक्स। ये जो फॉर्मलाइजेशन हो रही है ना, इससे बहुत ज्यादा डेटा जनरेट होएगा इंडिविजुअल्स का, कंपनीज का। जैसे जीएसटी भर रही है कंपनी, तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है जीएसटी नेटवर्क के पास, है ना। वैसे ही आईटीआर भरी जा रही है तो बहुत सारा डेटा जनरेट हो रहा है आईटीआर नेटवर्क के पास। वैसे ही फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारा डेटा जनरेट होएगा। इस डेटा जनरेटेड को हम क्रेडिट एनालिटिक्स में यूज कर सकते हैं, और क्रेडिट एनालिटिक्स में हम यूज करेंगे वाया बिग डेटा, एआई, मशीन लर्निंग। अब दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि ये क्रेडिट एनालिटिक्स है क्या, चलिए वो देख लेते हैं। क्रेडिट एनालिटिक्स, इट इज अ मेथड बाय विच वन कैलकुलेट्स द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्रेडिट एनालिटिक्स पते क्या तरीका है, क्रेडिट एनालिटिक्स एक मेथड है जिसके थ्रू ना, जिसको आप लोन दे रहे हो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हो आप। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब क्या ये रिस्की लोन टेकर है, क्या ये सेफ लोन टेकर है, क्या इसको हम लोन देंगे तो पैसा वापस आएगा या चांसेस हैं कि पैसा नहीं वापस आएगा। जितना बैंक का कस्टमर क्रेडिट वर्दी होता है उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि पैसा वापस आ जाए और बैंक के लिए रिस्क कम होता है ना। तो क्रेडिट एनालिटिक्स के थ्रू ना बैंक क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं। अब जितना क्रेडिट वर्दीनेस या क्रेडिट एनालिटिक्स अच्छे होंगे बैंक के, उतने ही चांसेस हैं कि बैंक के साथ फ्रॉड कम हो, है ना। अगर विलफुल डिफॉल्टर्स को पहले ही क्रेडिट एनालिटिक्स के थ्रू आप चेक कर लो या पता चल जाए उनके बारे में, तो आप उनको कभी लोन ही नहीं दोगे ना, मेक सेंस। तो क्रेडिट एनालिटिक्स को और रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे बैंकिंग सेक्टर फ्रॉड्स या बैंकिंग सेक्टर में विलफुल डिफॉल्टर्स की फेहरिस्त कम की जा सके। ऑलराइट, नाउ इस चीज को, क्रेडिट एनालिटिक्स को अच्छा करने के लिए आप बिग डेटा, जो नई फील्ड आ रही है साइंस में, आईटी में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको यूज कर सकते हो। जैसे ये लाइन भी लिखी हुई है सेकंड पॉइंट, बिग डेटा, मशीन लर्निंग एंड एआई कैन फर्दर रिफाइन क्रेडिट एनालिटिक्स इन आर बैंकिंग सिस्टम। अब थर्ड पॉइंट देखना, डेटा कैन बी इंप्लॉयड फॉर क्रेडिट एनालिटिक्स इज अवेलेबल इन बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब है कि डेटा ना तरीके से रखा हुआ है, प्रॉपर टेबल्स वगैरह डेटाबेस में अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म का मतलब है डेटा बिखरा हुआ है। अब बैंक के लिए ना क्रेडिट एनालिटिक्स के लिए डेटा बहुत जरूरी होता है। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में जो डेटा है बैंक उसे तो यूटिलाइज कर पा रहा है, बट जो डेटा बिखरा हुआ है ना अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, उसे अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अब स्ट्रक्चर्ड फॉर्म का एग्जांपल क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देखना, क्रेडिट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट स्कोर्स बेस्ड ऑन लोन ग्रांट्स एंड रीपेमेंट्स हेल्ड इन क्रेडिट रजिस्ट्रीज और क्रेडिट ब्यूरोज। हर इंसान का ना एक क्रेडिट स्कोर होता है, आपका भी क्रेडिट स्कोर होगा, ठीक है। जैसे आप एड भी सुनते होगे कि जानिए अपना क्रेडिट स्कोर paisabazaar.com पे, राइट। ऐसे ही ना कई क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट रजिस्ट्रीज होती हैं, जो बहुत सारे बोरोवर्स को क्रेडिट स्कोर देते हैं। अब उस बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग जो है ना, उसको यूटिलाइज करते हैं बैंक्स फॉर क्रेडिट एनालिटिक्स। ये तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म हो गया, पर अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी बहुत डेटा पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी जो लोन अप्लाई कर रही है उसका क्रेडिट स्कोर तो अच्छा है, बट जो वो जीएसटी दे रही है ना पिछले एक साल से, वो रेगुलरली नहीं दे रही। जो वो इनकम टैक्स रिटर्न भर रही है ना, वो रेगुलरली नहीं भर रही। मेरे बहुत सारे एसेट्स हैं जो सोशल मीडिया पे, जिनको मैं पोस्ट करता रहता हूं, और वो कहीं कहीं एसेट्स पड़े हुए हैं मेरे जो मैं बैंक को दिखा नहीं रहा हूं, राइट। तो ये जो बहुत सारा डेटा है ना जीएसटी में पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स के पास पड़ा हुआ है, ये बिखरा हुआ जो डेटा है, ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है जो क्रेडिट एनालिटिक्स के लिए यूज किया जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट देखना, लेवरेजिंग दिस अनस्ट्रक्चर्ड न्यू डेटा रिक्वायर्स न्यू डेटा एनालिटिक्स एंड मॉडलिंग स्किल्स एंड ट्रेन्ड ह्यूमन रिसोर्सेज इक्विप्ड विद दी स्किल्स। ये जो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ डेटा है ना, इसको अभी तक अच्छे से क्रेडिट एनालिटिक्स के लिए यूटिलाइज नहीं करा जा पा रहा है। और क्यों नहीं करा जा पा रहा है? बिकॉज इट रिक्वायर्स
नए तरीके के डेटा एनालिटिक्स, नए तरीके के मॉडलिंग स्किल्स, और वैसे लोग भी चाहिए जो ये नए तरीके के डेटा एनालिटिक्स जानते हों। ऑलराइट, इसी में ही बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे काम आएगा। ऑलराइट, नाउ ये जो लेफ्ट में फिगर है ना, ये पता क्या बताता है कि क्रेडिट जो एनालिटिक्स है ना, वो विलफुल डिफॉल्टर्स को पहचानने में बहुत सारी गलतियां कर देता है। आज तक का हमारा जो क्रेडिट एनालिसिस था, उसमें विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान नहीं हो पा रही थी, बिकॉज हम कुछ इंडिकेटर्स पे तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। अब वो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये जो तीन फिगर्स दिए मैंने, वैसे तो टोटल छः हैं, बट 1, 2, 3 नीचे जाएं ऊपर से, तो ये तीन इन्होंने फिगर्स दिए हुए हैं कंपेयरिंग विलफुल डिफॉल्टर्स विद नॉन डिफॉल्टर्स में। तो कि विलफुल डिफॉल्टर्स कितनी अपनी कंपनी की होल्डिंग प्लेज करते हैं, वो रिलेटेड पार्टीज को कितना ज्यादा लोन देते हैं, वो कितने ज्यादा अपनी कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हैं, ये भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिन्हें क्रेडिट एनालिटिक्स को पहचानना चाहिए था। अगर हमारा क्रेडिट एनालिटिक्स ज्यादा रिफाइंड होता तो वो देख पाता कि विलफुल डिफॉल्टर ज्यादा होल्डिंग प्लेज कर रहे हैं अपनी कंपनी की, वो ज्यादा लोन्स दे रहे हैं रिलेटेड पार्टीज को एज कंपेयर टू नॉन डिफॉल्टर, और वो बहुत कम डिस्क्लोज करते हैं, कम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। अगर ये चीजें बैंक को पहले पता चल जाती तो बैंक पहले ही बता देता, या उसको वार्निंग मिल जाती कि ये पर्टिकुलर इंसान जो लोन मांग रहा है या जिसको लोन दिया जा रहा है, ये विलफुल डिफॉल्टर है। राइट, ये राइट साइड में जो पॉइंट्स लिखे हैं उन पे ही भी एक बारी हम देख सकते हैं। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एनपीएस कुड हैव बीन प्रिवेंटेड इन पीएसबीज इफ डेटा एंड एनालिटिक्स वर एम्प्लॉयड इन कॉर्पोरेट लेंडिंग। द फिगर ऑन द लेफ्ट साइड क्लियरली डेमोंस्ट्रेट्स द सेवरल लीडिंग इंडिकेटर्स दैट डेटा एंड एनालिटिक्स कुड हैव क्लियरली हाईलाइटेड अबाउट विलफुल डिफॉल्टर्स। ये तीन चार इंडिकेटर्स थे जो क्रेडिट एनालिटिक्स के थ्रू हम हाईलाइट कर सकते थे। These are easily quantifiable measures that a robust credit analytics platform could have identified and provided warning signals. Clear? Plus, एक और इंडिकेटर है जो क्रेडिट एनालिटिक्स के थ्रू पहचाना जा सकता था। कहते हैं कि 2014 में ना, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ, ठीक है, अब 2014 में जितने भी मेरे NPAs होंगे ना, चांसेस हैं कि वो बाकी और बैंकों के भी NPAs हैं। जैसे कि 25% ऑफ माई NPAs वर NPAs इन अदर banks also. क्लियर, ये 2014 में हाल था। क्लियर, जैसे पहला पॉइंट आप पढ़ना, द अबव फिगर क्लियरली शोज दैट इन 2014 अ क्वार्टर ऑफ अकाउंट्स दैट वर डिक्लेयर्ड एज NPAs बाय अदर banks वर क्लासिफाइड एज NPA इन द banks अकाउंट, मतलब करंट banks अकाउंट। क्लियर, तो पब्लिक सेक्टर banks में हाल ये था कि जितने मेरे टोटल NPAs हैं उसमें से 25% ऐसे हैं जो बाकी बैंकों का भी, जिन्होंने कर्जा चुकाना है। नाउ 2014 में तो फिर भी 25% था, 2019 तक आते आते ये 95% तक जंप कर गया है। अब अगर 2014 में ही banks आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते तो डोंट यू थिंक banks को अर्ली वार्निंग मिल जाती NPAs की। फॉर एग्जाम्पल एक बैंक अकाउंट या एक बोरोवर इंडियन बैंक का एनपीए हो जाता है। अब इंडियन बैंक अगर ये इंफॉर्मेशन एसबीआई से शेयर कर ले और बता दे कि ये पर्टिकुलर बोरोवर मेरा एनपीए है, तो एसबीआई भी आगाह हो जाएगा, उसको अर्ली वार्निंग मिल जाएगा। चांसेस हैं एसबीआई को लगेगा कि चांसेस हैं कि ये इंसान जो इंडियन बैंक का कर्जदार है, ये मेरा भी कर्जदार हो सकता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से रहें। तो ये कहते हैं कि क्रेडिट एनालिटिक्स को ना, एक तो क्रेडिट एनालिटिक्स को ज्यादा रिफाइन होना चाहिए था, दूसरा क्रेडिट एनालिटिक्स रिफाइन होने के बाद आपस में इंफॉर्मेशन भी शेयर करनी चाहिए थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। क्रेडिट एनालिटिक्स के थ्रू पहले पता करो बोरोवर्स की सिचुएशन क्या है, फिर सारे बैंक्स आपस में शेयर करें इंफॉर्मेशन। क्योंकि पता क्या होता है, जितने भी बड़े बड़े बोरोवर्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक बैंक से लोन नहीं लेते, ये बहुत सारे बैंक से लोन्स लेते हैं। ऑलराइट, तो क्रेडिट एनालिटिक्स और उन क्रेडिट एनालिटिक्स की इंफॉर्मेशन एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ये डिमांड है इकोनॉमिक सर्वे की। इकोनॉमिक सर्वे चाह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, तभी बैंकिंग सेक्टर अच्छा हो सकता है। ऑलराइट, नाउ लेवरेजिंग डेटा टू प्रोटेक्ट क्रेडिटर्स कोलैटरल, ये एक केस स्टडी है जो कि इकोनॉमिक सर्वे आता है ना, उसमें बॉक्स में दिया हुआ था ये। तो ये जो केस स्टडी है ये बताती है कि जो डेटा एनालिटिक्स है ना, इसके थ्रू हम जो क्रेडिटर हैं, बैंक्स हैं, इनका कोलैटरल भी कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब जितने भी विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं ना, उनकी टेंडेंसी पता है क्या होती है, या तो ये अपने कोलैटरल को ओवर वैल्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का कोलैटरल रखेंगे पर बैंक को बताएंगे कि ये 1 करोड़ का है, तो बैंक ज्यादा लोन सैंक्शन कर देगा। अगर वो ऐसा नहीं भी करते, ठीक है, वैल्यू इधर उधर मिसरिप्रेजेंट नहीं करते, तो भी पता क्या करेंगे ये लोग ना, बैंक को एसेट्स तो कोलैटरल रख देंगे अपने, बट बैंक की इंफॉर्मेशन के बगैर उन एसेट्स को बेच देंगे।
ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बड़ी बड़ी मशीन हैवी मशीनरी कोलैटरल रख दी बैंक से लोन लेने में. अच्छा बैंक ने मुझे लोन दे दिया. अब बैंक की जानकारी के बगैर मैं ऑलरेडी वो मशीन बेच चुका हूंगा, बैंक को पता भी नहीं चलेगा. जैसी मैं एनपीए होऊंगा वैसी बैंक जब मेरा कोलैटरल लेने जाएगा तो बैंक को पता चलेगा ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोलैटरल तो बिक चुका है. ऑलराइट. तो विलफुल डिफॉल्टर्स ऐसी हरकतें करते हैं. अब हम डेटा के थ्रू टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसी हरकतें विलफुल डिफॉल्टर्स की कैसे रोक सकते हैं वो बताता है ये बॉक्स. नाउ ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि अगर बैंक्स कंपलसरी कर दें बोरोवर्स के लिए कि वो जो भी कोलैटरल रख रहे हैं उसको जियो टैग कर दें या उसका एविडेंस जियो टैग्ड फॉर्म में दें, जियो टैग्ड एविडेंस दें, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रिमूव एसेट्स बाय स्टेल्थ. मतलब अगर वो जियो टैग कर दें उसे कि जहां पे वो एसेट है वहीं पे ही उसकी लोकेशन आ रही है, उसको जीपीएस के साथ लिंक कर दें, तो जब भी कभी भी कोई भी बोरोवर चुपके से उस एसेट को बेचना चाहेगा, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी जेसीबी मशीन है, ठीक है. अब उस मशीन को वो कोलैटरल रख देता है. नाउ जैसे ही वो बैंक की जानकारी के बगैर उस मशीन को बेचने जाएगा तो उसका जो जीपीएस होगा ना वो एक्टिवेट हो जाएगा और लेंडर को पता चल जाएगा, बैंक को पता चल जाएगा कि ये एसेट मूव हो रहा है. जैसे फॉर एग्जाम्पल जो विजय माल्या थे ना, उन्होंने बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स पे अपने जो उनके पास हेलीकॉप्टर थे उसको कोलैटरल रख के लोन उठाया था और बाद में उन हेलीकॉप्टर्स को ऐसे डिसरिपेयर में कर दिया था. तो जब बैंक्स वो कोलैटरल रिकवर करने गए तो उन्होंने देखा कि ये हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल ही कंडम माल है, ठीक है, बिल्कुल ही डिसरिपेयर में है. तो इसीलिए जियो टैग करना, जीपीएस के साथ फिट करना और जीपीएस का डेटा रिले करना बैंक्स के पास, इससे बैंकों का कोलैटरल बचाया जा सकता है. दूसरी चीज, ऑलरेडी स्विफ्ट इंडिया नाम की ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो एक ना मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू स्विफ्ट. ऑलराइट. नाउ दिस स्विफ्ट इंडिया हैज रिसेंटली कम अप विद अ ब्लॉकचेन एफर्ट दैट अलाउज लेंडर्स टू लॉग इनवॉइसेस एंड ई बिल्स सबमिटेड टू देम ऑनलाइन, अलाउइंग अदर लेंडर्स टू वेरीफाई वेदर अ ट्रेड दे आर लुकिंग टू फाइनेंस हैज ऑलरेडी बीन फंडेड और द अंडरलाइंग कोलैटरल ऑलरेडी प्लेस्ड. अब इसमें होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल एसबीआई है, एसबीआई के पास विजय माल्या जी जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरे कुछ जहाज हैं, इनको कोलैटरल रख के आप मुझे ये लोन दे दो. क्लियर. अब एसबीआई क्या करेगा, सारा बिल वगैरह सारी इनवॉइसी वगैरह स्विफ्ट पे अपडेट कर देगा. अब जैसे ही विजय माल्या सेम जहाज लेके इंडियन बैंक के पास जाते हैं और बोलते हैं इन्हीं जहाजों पे मुझे आप और लोन दे दो, तो इंडियन बैंक वेरीफाई कर सकता है स्विफ्ट पे, वो देखेगा कि इन जहाजों पे तो ऑलरेडी लोन सैंक्शन हो गया है, तो विजय माल्या जी सेम जहाज पे दो तीन बारी लोन्स उठा रहे हैं तो वो मना कर देंगे. ऑलराइट. तो इसके थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, ब्लॉकचेन एफर्ट के थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हो विलफुल डिफॉल्टर्स को. सच इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट लेंडर्स. ऐसे इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स आर एसेंशियल टू प्रोटेक्ट लेंडर्स, क्योंकि अगर सारे बैंक्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाएंगे तो चांसेस हैं कि जो भी बोरोवर है वो फ्रॉड कमिट करता रहेगा, कभी एक बैंक से पैसा उठा लेगा, एक बैंक को चुकाने के लिए दूसरे से उठा लेगा, ऐसे उनके साथ खेल सकता है. तो सारे बैंक्स इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें वैसा एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए. दैट्स व्हाट दिस इकोनॉमिक सर्वे सेज एंड दैट्स व्हाट आई गेस आई ऑल्सो एग्री एंड यू शुड ऑल्सो एग्री इन योर आंसर्स. Now let's talk about FinTech Hub या PSB Network. ठीक है, अभी तक जो भी हमने बातें करी हैं कि क्रेडिट एनालिटिक्स को कैसे अच्छा किया जा सकता है, बैंकों के कोलैटरल को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे बचाया जा सकता है और बैंक्स आपस में इंफॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा FinTech Hub या एक PSB Network. PSBs can enhance their efficiency by fulfilling their role of delegated monitors if all PSBs can pool their data into one entity. जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर हम एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म बना दें जिसके थ्रू सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आपस में इंफॉर्मेशन क्रेडिट एनालिटिक्स की शेयर कर सके तो वो बहुत अच्छा होगा. क्लियर. दिस वुड हैव एन एडिशनल बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग. अब स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग क्या होता है, जब भी कोई बोरोवर बैंक के पास जाता है लोन अप्रूव करवाने तो लोन अप्रूव करने का प्रोसेस ना बड़ा लंबा होता है. ठीक है, आप जो बोरोवर होता है उसकी सारी डिटेल मंगाई जाती है, उसके बहुत कागज मंगाए जाते हैं, उससे चेक किया जाता है कि वो फ्रॉड तो नहीं कर रहा है और बहुत सारे वेरिफिकेशन प्रोसेसेस होते हैं, उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं. नाउ स्क्रीनिंग के टाइम पे ना बैंक का बहुत ज्यादा टाइम मनी रिसोर्सेज लग जाता है. अगर ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हो जाए, अगर ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के थ्रू इजी हो जाए तो बैंकों की कॉस्ट कम हो जाएगी और टाइम भी कम हो जाएगा स्क्रीनिंग के थ्रू. ऑलराइट.
जस्ट लाइक GSTN, जीएसटी नेटवर्क जैसे है, वैसे ही अ नेटवर्क फॉर ऑल PSBs कुड यूज टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड स्क्रीन बोरोवर्स कॉम्प्रिहेंसिवली एंड एट लेंथ. हम टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं PSBN के थ्रू, पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क के थ्रू, टू मॉनिटर एंड स्क्रीन बोरोवर्स. अब अगर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा, अगर एक बोरोवर ने इंडियन बैंक के साथ फ्रॉड करा है तो वो SBI बैंक के साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, तो स्क्रीनिंग जल्दी हो जाएगी, है ना? तो स्क्रीनिंग जल्दी हो सकती है अगर एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म हो. अच्छा, इसमें और पता क्या होगा, सारे जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ना, ये अपना डेटा, अपने बोरोवर्स का डेटा इस PSBN पे डाल देंगे, ताकि बाकी सारे बैंक्स उसका फायदा उठा सके, उससे कुछ सीख सके. प्लस ये क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट देखना, अपार्ट फ्रॉम यूटिलाइजिंग डेटा फ्रॉम ऑल PSBs विच वुड प्रोवाइड अ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एडवांटेज, PSBN would utilize other government sources and service providers to develop AIML, artificial intelligence and machine learning rating models for corporates. एक तो PSBN पे जो डेटा होगा वो सारे बैंक्स का डेटा होगा, प्लस PSBN पे ना गवर्नमेंट के और डेटा सोर्सेज से डेटा आएगा. जैसे GSTN नेटवर्क पे जो डेटा है वो PSBN पे आएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो डेटा है वो PSBN पे आएगा, और बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं उनके थ्रू जो डेटा है वो PSBN पे आएगा. अब इतने सारे डेटा को ना आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू ना यूटिलाइज कर सकते हो क्रेडिट एनालिटिक्स के लिए. क्रेडिट एनालिटिक्स आप अच्छे से करोगे तो आप हर कॉरपोरेट को रेटिंग कर सकते हो, उसकी रेटिंग बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो. रेटिंग क्या बताएगा, उस कॉरपोरेट की क्रेडिट वर्दीनेस. तो ये जो स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग का काम होता है ये इजी हो जाएगा, सारा ऑटोमेटिक हो जाएगा जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज करोगे. प्लस PSBs के पास पहले अपने बैंक का ही डेटा होता था, अब उनके पास सारे बैंकों का डेटा होगा. और उतना ही नहीं, उनके पास और गवर्नमेंट के पास जो डेटा पड़ा हुआ है, जीएसटी फाइल्स में जो पड़ा हुआ है, जो इनकम टैक्स के पास पड़ा हुआ है, वो सारा डेटा होगा. इस सारे डेटा को वो मैनिपुलेट करेंगे, क्रेडिट एनालिटिक्स करेंगे और हर कॉरपोरेट को रेटिंग देंगे. क्लियर? लास्ट पॉइंट देखना, दीज AIML मॉडल्स कैन नॉट ओनली बी यूटिलाइज व्हेन स्क्रीनिंग अ कॉरपोरेट फॉर ड्रेस लोन्स बट फॉर ऑल्सो कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग द कॉरपोरेट बोरोवर्स. ये जो मॉडल्स होंगे ये सिर्फ स्क्रीनिंग में यूज नहीं होंगे. मान लो एक बारी स्क्रीनिंग होगी, 10 साल का लोन अप्रूव हो गया, तो ये AIML मॉडल्स 10 साल तक उस कॉरपोरेट को मॉनिटर करते रहेंगे कि कहीं वो कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है. और ये सारा प्रोसेस अब हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज AI आ गया ना. तो बैंकों की बहुत जो कॉस्ट लगती थी, लेबर कॉस्ट लगती थी, टाइम, मनी, रिसोर्सेज, इंप्लॉयज लगते थे, वो कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ये काम सारा हो जाएगा. ठीक है, नाउ हम ब्रीफ में देखते हैं कि ये PSBN नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसा सा होगा. ठीक है, सजेस्टेड आर्किटेक्चर एंड सोल्यूशन फ्लो फॉर फिनटेक इन PSBs. स्कीमेटिक आर्किटेक्चर क्या है, आप ये येलो में देख रहे हो PSB, इसके पास ना एक कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई करा है. अब ये PSB क्या करेगा, इस कस्टमर की एप्लीकेशन लेगा और PSBN नेटवर्क में डाल देगा. PSBN नेटवर्क में ना पहले वेरिफिकेशन होगी उस कस्टमर की आइडेंटिटी की. अब वो वेरिफिकेशन कैसे होगी, EKYC से. जो EKYC होगा ना वो आधार डेटा के साथ लिंक्ड होगा, तो आधार के थ्रू ना आप इस कस्टमर की आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हो. ठीक है, अब बैंकों के लिए मैंडेटरी करा हुआ है कि आप किसी का लोन अप्रूव नहीं कर सकते बिना KYC के, नो योर कस्टमर नॉर्म्स. तो आधार बेस्ड KYC के थ्रू आप उसकी EKYC या आइडेंटिटी डिटरमिन कर लेते हो. अब नेक्स्ट काम है आपका स्क्रीनिंग का, चेक करना कि ये जो बोरोवर है ये क्रेडिट वर्दी है या नहीं है. तो जैसा हम बात कर रहे थे, PSBN के पास बहुत सारे डेटा सोर्सेज हैं, PSBN के पास बहुत सारे बैंकों का डेटा है, GST का डेटा है, इनकम टैक्स रिटर्न का डेटा है, और बहुत सारे क्रेडिट ब्यूरोज जो है क्रेडिट रेटिंग करते हैं, सिबिल वगैरह, है ना, इन सब का डेटा है. इन सब का डेटा यूज करेगा PSBN और इस PSB को बता देगा इस कस्टमर की रेटिंग, कि क्या ये कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस है. जैसे ही इस PSB को इस कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस पता चल जाएगी तो वो इस कस्टमर का क्रेडिट या लोन अंडरराइट कर देगा. अब लोन अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है, जरा नीचे बॉक्स में देखना, क्रेडिट अंडरराइटिंग, इट इज द प्रोसेस दैट अ लेंडर यूजेस टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस और रिस्क ऑफ अ पोटेंशियल बोरोवर. ठीक है ना, तो एक तो पहले ये PSB ने इसकी EKYC करनी थी, इसकी आइडेंटिटी डिटरमिन करनी थी, वो तो आधार से होगी. अब इसके लोन की अंडरराइटिंग करनी है, उसके लिए इसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है. वो क्रेडिट वर्दीनेस चेक करेगा PSBN बहुत सारे डेटा सोर्सेज के थ्रू, जैसे हमने बात करी थी AIML मॉडल्स के थ्रू. ऑलराइट, अब ये वेरियस डेटा सोर्सेज कौन से होंगे, नीचे बॉक्स में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं. गवर्नमेंट सोर्सेज लाइक GSTN एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स,
क्रेडिट ब्यूरो डेटा फ्रॉम ब्यूरोज लाइक सिबिल, इक्विफैक्स, जो क्रेडिट स्कोर देते हैं आपको, जो पैसा बाजार पे भी आता है. दिस विल हेल्प बैंक्स टू गेट द क्रेडिट स्कोर ऑफ द बोरोवर. ठीक है. अदर डेटा सोर्सेज, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सोर्सेज हैं, टेलीकॉम प्रोवाइडर्स, ऐप डेटा, मोबाइल हैंडसेट, जैसे उस जो बोरोवर है उसका पेटीएम में क्या ट्रांजेक्शन रही है, पेटीएम में उसने बोरो करा या नहीं करा, उसके पेटीएम डेटा होगा, और कोई गूगल डेटा होगा उसका, या और कोई गूगल मनी या फेसबुक मनी के थ्रू उसने पेमेंट वगैरह कर रखी है उसका डेटा होगा. सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है, जो बिखरी हुई है, वो भी इस PSBN के पास आ जाएगी एनालिटिक्स के लिए. नाउ लास्ट पॉइंट देखना, डिफरेंट AI ML मॉडल्स विल बी यूज फॉर अंडरराइटिंग डिफरेंट कस्टमर्स. ठीक है. हर कस्टमर के लिए, हर कॉरपोरेट के लिए एक अलग मॉडल तैयार किया जाएगा और उसकी अंडरराइटिंग या क्रेडिट रेटिंग होगी. नाउ हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ PSBN. ठीक है. सबसे पहली एडवांटेज, बेटर अंडरराइटिंग वुड रिड्यूस द बर्डन ऑफ NPAs. क्रेडिट एनालिटिक्स अच्छे होंगे तो आप विलफुल डिफॉल्टर्स को पहचान लोगे, NPAs कम हो जाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इट वुड ऑल्सो एड इन फ्रॉड प्रिवेंशन. बिल्कुल सही बात है. नंबर थ्री, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच PSB वुड गेट रिड्यूस्ड ड्यू टू एंड टू एंड ऑटोमेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ लेंडिंग. सारा स्क्रीनिंग, मॉनिटरिंग वगैरह, ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना लेंडिंग का, उसमें टाइम, मनी, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग जाते थे. अब ये सारा ऑटोमेट हो जाएगा, अंडरराइटिंग ऑटोमेट हो जाएगी, तो हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी ना पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट देखना, PSBs वुड बी एबल टू मेक क्विकर डिसीजंस, प्रोसेस लोन एप्लीकेशंस फास्टर, एंड रिड्यूस टर्न अराउंड टाइम्स. टर्न अराउंड टाइम पता क्या होता है, जितना टाइम एक कस्टमर जब लोन एप्लीकेशन डालता है और उसको जब लोन मिल जाता है, इस बीच के दौरान जितना टाइम लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं. ऑलराइट. तो जितनी जल्दी स्क्रीनिंग होगी उतना ही कम टर्न अराउंड टाइम होगा, बैंक्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी और बैंक्स जल्दी प्रोसेस करेंगे लोन एप्लीकेशंस को. फिफ्थ पॉइंट देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस वुड हेल्प PSBs टू कंपीट बेटर विद NPBs, न्यू प्राइवेट बैंक्स. इनफैक्ट पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क कुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल एडवांटेजेस दैट NPBs आर अनलाइकली टू मैच. क्योंकि 70% मार्केट शेयर है ना PSBs के पास, तो उनका जो नेटवर्क होगा उसके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन होगी एज कंपेयर टू न्यू प्राइवेट बैंक्स. तो इसलिए PSBs बहुत ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे. ऑलराइट. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिफॉर्म की तरफ, जो ये इकोनॉमिक सर्वे एडवाइस करता है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए. ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि इंप्लॉयज को फिक्स सैलरी देने के बजाय ना आप थोड़ा सा शेयर भी दे दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. कहते हैं कि जब आप इंप्लॉयज को फिक्स सैलरी दे देते हो ना, प्लस उनके डिसीजंस पे आप CVC या CAG की तलवार भी लटका के रखते हो, ठीक है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंडर उनको रखते हो और उन्हें फिक्स सैलरी देते हो, तो इन बैंक्स के इंप्लॉयज की ना जनरली टेंडेंसी होती है कि ये सेफ खेलें, रिस्क ना ले ज्यादा. अब इनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं होता. जब इनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर नहीं होता और बहुत ज्यादा सेफ खेलने का बिहेवियर होता है, तो बैंक्स में ना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते. आपको पता ही है, जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो उतने ही चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिटेबल हो सको. जब आप सेफ खेलते हो तो आप अपने प्रॉफिट्स भी कम कर देते हो. तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो इंप्लॉयज हैं, इनको थोड़ी सी मोटिवेशन देने के लिए और इनको थोड़ा सा इंसेंटिवाइज करने के लिए आप इन्हें फिक्स सैलरी के साथ साथ थोड़ा बहुत शेयर्स भी दे दो कंपनी के. इससे होगा क्या, इससे इनमें ना सेफ खेलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी और रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी. प्लस ये जो डिसीजंस लेंगे ना, ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स की हेल्प के लिए डिसीजन लेंगे, क्योंकि अब इनकी जो कॉम्पनसेशन है वो पब्लिक सेक्टर बैंक की हेल्थ पे डिपेंड करती है. अगर इनका जो बैंक है वो अच्छा चल रहा है तो इनके प्रॉफिट्स भी ज्यादा आएंगे, अगर इनका बैंक अच्छा नहीं चल रहा तो इनके प्रॉफिट्स नहीं आएंगे. आपने इनका फेट, इनकी किस्मत बैंक की किस्मत के साथ लिंक कर दी अगर आप इन्हें शेयर दे देते हो. अगर आप इन्हें फिक्स सैलरी देते हो तो चाहे बैंक अच्छा परफॉर्म करे चाहे बुरा परफॉर्म करे, इनको तो उतनी ही सैलरी आएगी, तो इनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहता ना. अगर बैंक बुरा परफॉर्म कर रहा होगा ना और आपने इन्हें शेयर दिए होंगे, तो ये रात दिन काम करके बैंक को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट. अब सेकंड लास्ट पॉइंट देखना, टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम सम पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट्स ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड टू इंप्लॉयज एग्जिबिटिंग गुड परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल लेवल्स थ्रू इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स. तो अच्छे इंप्लॉयज को आप कुछ शेयर्स दे सकते हो कंपनी में, ताकि उनकी मोटिवेशन रहे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ. क्लियर. लास्ट पॉइंट देखना, इंपॉर्टेंट है, दिस विल इंड्यूस इंप्लॉयज टू एनहांस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ PSBs एंड अलाइन देयर इंसेंटिव्स विद व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर द PSB.
अपना जो इंसेंटिव है उनका वो अलाइन हो जाएगा पीएसबी के साथ, राइट, कि बोथ एम्प्लॉय एंड पब्लिक सेक्टर बैंक सिंक एंड सेल इन द सेम बोट. ऑलराइट, इट विल क्रिएट अ माइंडसेट ऑफ एंटरप्राइज ओनरशिप फॉर द एम्प्लॉयज. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि रादर देन गिविंग फिक्स सैलरी, इन एडिशन टू फिक्स सैलरी आप थोड़े से शेयर्स भी दे दो ताकि मोटिवेशन बरकरार रहे. ऑलराइट, नाउ थर्ड रिफॉर्म ये कह रहा है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसीज को चेंज किया जाए. नीड फॉर बेस्ट टैलेंट, पहला पॉइंट देखना. PSBs need to enable cutting-edge recruitment practices that allow lateral entry. Lateral entry मतलब दूसरे private sector से आप directly hire कर लेते हो. Lateral entry of professionals and recruitment of professionally trained talent at entry level. ठीक है? For example, PSBs currently cannot directly recruit MBAs from college campuses. PSB में, public sector bank में काम करना है तो एक PO का paper clear करना पड़ेगा. अब पीओ का पेपर ना नॉर्मल लोगों को ही रिक्रूट कर पा रहा है, स्पेशली टैलेंटेड लोगों को रिक्रूट नहीं कर पा रहा है. इसीलिए आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेगी. एक और चीज है, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स फिनटेक लगा लेंगे, फिनटेक फाइनेंस या जो पब्लिक सेक्टर बैंक नेटवर्क जो है वो लगा लेंगे, तो देयर विल बी अ डिमांड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स That have domain expertise in data science, technology, finance, economics. आपको technical experts भी चाहिए होंगे अगर आपको public sector bank network operate करना है. तो खाली वो PO से नहीं कर सकते, तो आपको overall technology की help से और technical experts को, अच्छे classy professionals को आपको hire करना पड़ेगा. इसीलिए public sector banks को अपनी recruitment policies change करनी पड़ेगी, because bank को अच्छा human resources ही चला सकती हैं. ठीक है, now लास्ट पॉइंट देखना. विद अ लार्ज ओनरशिप स्टेक अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज थ्रू ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टेट स्टॉक ऑप्शंस प्लान्स, अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री मे नॉट बी अ कंस्ट्रेंट. जब आप पब्लिक सेक्टर बैंक में इन एम्प्लॉयज को शेयर ही दे दोगे तो बहुत सारे टैलेंटेड लोग आना चाहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. ऑलराइट, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी ये इस चीज की कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग प्राइवेट में जाना चाहते हैं, पब्लिक में नहीं जाना चाहते. क्लियर, नाउ ये थे तीन मेजर रिफॉर्म्स और इसी के साथ हमारा खत्म होता है बैंकिंग सेक्टर पार्ट टू में. इसके एंड में कुछ कंक्लूजन दी हुई है, इस पूरे चैप्टर की कंक्लूजन है. आपको इस वीडियो को स्टॉप करना है और एक बारी ये जितने भी पॉइंट्स हैं, आई गेस 5 पॉइंट्स हैं, इनको रीड कर लेना है. ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. आई होप आपको ये पूरे के पूरा पार्ट वन एंड पार्ट टू समझ आया हो चैप्टर 7 का. अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज राइट दैट डाउट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद चैप्टर 8 ऑफ इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1. थैंक यू.